फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो मैं आपको ये इसके बारे में बताने वाली हूँ। ये बहुत अच्छा है और मतलब जैसे कि एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपका ये जो फेस है तो डल नहीं होता है, ये जो डल हो जाता है उसको उसके लिए अच्छा है। और प्लस इसका पॉइंट है कि टाइटनिंग रखता है, मतलब स्किन को टाइट रहता है रखता है। और क्या, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ इसकी लाइट पिंक में है ये, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये इसी का ब्रांड का ग्रीन टोनर है। थोड़ा सा ये स्प्रे ऐसे कर रहे हैं, ख़त्म हो गया है, बस हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ख़त्म हो गया है, मैंने दूसरा ऑलरेडी मंगा के रखा है। तो ये आपको इतना लेना है, देख सकते हो। बस ज़्यादा नहीं लेना है, इतना लेना है आपको। और हल्के हाथों से इसको ऐसे से रब करना है। थोड़ा सा मैं वाटर लेके आती हूँ। तो ये इसके हल्के हाथों से ऐसे रब करते हुए, ये मेरा बाल ना स्ट्रेट करवाए ना, तो ऐसे हल्के हाथों से इसको ऐसे मसाज करना आपको। ये बहुत अच्छा है, गुड वाइब्स का सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। ऐसे ऊपर की तरफ आपको ले जाना है, ऐसे हल्के से मसाज करना है आपका। इससे क्या होगा, आपके चेहरे पे ग्लोइंग आएगा। हम तो आज तक कभी फेशियल करवाए नहीं है, कभी नहीं क्लीन अप करवाए हैं। हम इसी सबसे घर में कर लेते हैं, मुझे नहीं जाने का टाइम भी मिलता है और इतना पैसा वेस्ट करना अच्छा भी नहीं लगता। जितना एक बार में लगवाएंगे उससे एक बार में इसे खरीद के हम लोग कितना बार यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हो हल्का मसाज, और इसको आपको पहले चेहरा क्लीन करके लगाना है। फेस वॉश अच्छे से करना है आपको, फिर आपको इसको यूज करना है। ऐसे ऊपर की ओर ऐसे ले जाते हुए मसाज करना है आपको। और मैं फेस वॉश कौन सा यूज की हूँ आपको दिखा रही हूँ, रुकिए एक सेकंड, हम ये कर लेते हैं। आपको 5 मिनट तक करना है, मेरा हो गया है 2 मिनट, 2.5 मिनट हो गया है। आपको ऐसे हल्के मसाज में करते रहना है, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना चेहरा धो लिया है और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग आता है, देख सकते हो आप। तो मैंने अपना फेस धो लिया है और मैंने इससे फेस वॉश किया है। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब फेस वॉश है। मैंने इतना सारा फेस वॉश यूज किया बट ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे और देखे भी होंगे, ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बोला था ना आपसे कि मेरा ये टोनर ख़त्म हो गया है, तो मैं ये दूसरा मंगाई हूँ। तो ये ख़त्म हो चुका है, इसको फेंक देंगे, और ये मैं दूसरा मंगाई हूँ। तो मैंने फेस वो धो लिया स्क्रब करके, तो इससे हम स्प्रे करेंगे ऐसे, देखिए। ये न्यू है ना, तो जल्दी आ नहीं रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट सारे, मैं इसी का यूज करती हूँ। ये हो गया मतलब सब कुछ। और आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ जो इसका ही वो है, कॉम्पैक्ट है और वो फाउंडेशन है डेली वेयर का। तो इसको ऐसे सूखने देंगे, देखिए मैंने स्प्रे किया है, स्प्रे कर लिया मैंने, इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। फिर इसको यूज करने के बाद, इसे स्क्रबिंग करने के बाद, जब स्क्रब हो जाता है
तो इसके बाद हम लोग ये टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हाइड्रेट करता है ये। क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे रब करते हैं इसको चेहरा को तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है धोने के बाद, तो इसलिए टोनर को ज़रूर लगा स्प्रे करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ये हो गया, तो सूख रहा है तो मैं मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए। फैन नहीं है मेरा, ये किचन रूम है, ये तो जल्दी सूख जाता। वैसे खुद से ड्राई हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि खुद से ऑब्जर्व हो तो अच्छा है। मैं ये मॉइस्चराइजर लगाती हूँ पॉन्स का, देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा है, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा फिर। मैं थोड़ा सा ड्राई और हो जाएगा तो फिर मैं ये ये और ये मेरा फेवरेट है। नहीं, ये